अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्या हाल चाल हैं आप सबके उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और यहाँ पर इतनी तेज़ हेल पड़ रही थी ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आसमान से लिटरली कोई मोती गिर रहे हैं कोई बारिश नहीं थी जस्ट हेल थी और इतना अच्छा लग रहा था ना बिल्कुल वाइट हो गया था नीचे का हमारा जो ग्रास थी ना और मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है कभी एकदम सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हालांकि मैं मेरी आदत है कि मैं हर रोज़ जो है वो वेदर देख लेती हूँ उसके साथ अपना दिन जो है वो प्लान करती हूँ इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना मुझे तो धूप से वैसे ही कोई बहुत मोहब्बत है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पर तो मैं बच्चों को कहीं कहीं पार्क वगैरह नहीं लेके गई थी तो आज फाइनली मैंने कहा चलो दिन अच्छा है हम पार्क चलते हैं ताकि बच्चे भी थोड़ा सा ना इन्जॉय कर लें फ़न कर लें और मैं भी जो है वो थोड़ा बहुत झूलों में बैठ जाऊँगी बच्चों के साथ जो है ना हमेशा बच्चा ही रहना पड़ता है जब आप उनको बाहर लेकर जाते हैं स्पेशली तो उनके साथ खेला करें टाइम स्पेंड करें वो बहुत खुश होते हैं यहाँ पर आप देखें कि दूर दूर तक जो पहाड़ है ना उनमें अभी तक बर्फ है तो इसी वजह से जो ना मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है और इसलिए वायरल भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हर जगह पर और बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक भी स्टार्ट हो गई है तो अब ये लोग घर पे ही होते हैं इसलिए मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं जो हूँ जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करूँ क्योंकि इनका भी खाना पीना नाश्ता सारी चीज़ें मुझे देखनी है और अब मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लिया करूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और फिर मैं एमरजेंसी गई थी तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपके बताऊंगी कि मुझे हुआ क्या था तो आप लोगों ने बहुत दुआ करी थी आप लोगों को बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग दुआ करते हैं ना तो पता नहीं किसकी दुआ लग जाती है और इंसान जो है वो ठीक हो जाता है और फिर अच्छा भी लगता है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों से बोलूँ ताकि आप लोग जो है वो दुआ करें तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत ठीक हूँ तो यहाँ पर अम, हो रही है एक छोटी सी दावत की तैयारी एक्चुअली अली के दोस्त आ रहे थे तो उन्होंने फिर उनको उन्हों बोला कि आप इफ़ार हमारे साथ ही करिएगा तो वो एक तरह से मेरे छोटे भाई भी बने हुए हैं तो यहाँ पर मैंने बनाना है फ्रूट क्रीम मेन्यू में मैंने बहुत सिंपल बेसिक सी चीज़ें रखी हैं वैसे तो पकौड़े रोज समोसे तो होंगे लेकिन उसके साथ मैंने सोचा कि फ़िली स्टेक सैंडविच रख लेती हूँ फ्रूट चाट हम लोग हम हम लो खाते नहीं हैं तो मैंने फ्रूट क्रीम उसके बदले में सोच ली और खाने में मैंने कौरमा और चावल बस मैंने कहा ये है क्योंकि खाना तो वैसे भी इतना कम खाया जाता है तो इफ़ार से ही इतना फीलिंग साफ फ़ील होने लगता है तो यहाँ पर मैंने ना पक्की क्रीम यूज़ करी है आप कोई भी क्रीम ले लें ले, नेस्ले की ऑलपर्स की कोई भी ले लें उसके अंदर मैंने जो है वो कैस्टर शुगर ऐड करी है उससे फ्लेवर और बहुत अच्छा सा हो जाता है क्योंकि ये वाली जो पक्की क्रीम है ना ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं है तो इसमें आपको खुद ही शुगर वगैरह ऐड करके इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है तो इसलिए मैं जो पक्का ही ब्रांड यूज़ करती हूँ मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो फ्रूट क्रीम भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो इसलिए मैं हर रोज़ तो नहीं बनाती हूँ जब कोई दावत हो गई या वंस अ वीक हो गई क्योंकि मुझे ना बहुत मज़े की लगती है और मेरे घर में फ्रूट चाट से ज़्यादा फ्रूट क्रीम खाई जाती है मतलब मैं और अली ही खाने वाले तो हम दोनों को ही बहुत पसंद है जबकि ठंडी हो जाती है ना तो एक एज अ डिज़र्ट भी बहुत अच्छी लगती है जब आपके घर में इफ्तार पार्टी हो ना तो आप छोटे छोटे कप्स ले लें उसके अंदर फ्रूट क्रीम बनाकर रख दें ऊपर से जेली ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर दें तो बहुत अच्छी लगती हैं अच्छा तो मैंने बहुत सिंपल से इसमें फ्रूट्स ऐड किए क्योंकि मुझे यही फ्रूट सारे अच्छे लगते हैं सारे फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया है अनार है मैंगो uh, है पाइन हैं और मैंने थोड़े से सेब um, ऐड कर दिए थे क्योंकि सेब जो थोड़े हार्ड होते हैं और uh, उसका जो फ़्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है क्योंकि मेरे पास स्वीट फ्लेवर में भी था अब इसमें ना हर तरह का आपको टेस्ट फ़ील होगा जैसे स्वीट भी होगा टेंगी भी होगा और uh, थोड़ा सा सावर भी फील होगा क्योंकि जो अनार है थोड़े से खट्टे खट्टे होते हैं और जो शुगर डाल के मैंने क्रीम को बनाया तो उससे स्वीट सा फ्लेवर आएगा तो बहुत मज़े का ये बनता है अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी मेरे पास बादाम पिस्ता था वो मैं अंदर ऐड ताकि जब खाएं तो क्रंचीनेस फील हो और जब मैं इसको गार्निश करूंगी ना तो मेरे पास थोड़े से काजू रखे मैं ऊपर से काजू है थोड़े से आ, स्प्रिंकल कर दूंगी बस इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी इसीलिए मैंने सबसे पहले यही तैयार करी है कि मैं इसको रेडी करके फ्रिज में रख दूँ ताकि ये बहुत अच्छी ठंडी सी छलसी हो जाए तक और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि आरस को किस तरह से मैनेज करती हैं जब खाना पका रही होती हैं तो आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में भी कहीं ना कहीं वो नज़र आ रहा होता है वो मेरे साथ ही होता है मैं उसको अकेला जहरा छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर तो नहीं हम उन छोड़ सकते आरस को तो मैं जो हूँ जब किचन में होती हूँ तो उसको हाई चेयर भी बिठा देती हूँ या मैं उसको बर्तनों से खेलने देती हूँ मेरे हर बच्चे को बर्तनों से खेलने का बहुत शौक़ है तो वो खेलता रहता है जब वो थक जाता है तो फिर मैं उसको जल्दी से सुला फिर नीचे आ जाती हूँ तो यहाँ पर मैंने शरबत भी जल्दी जल्दी रेडी कर लिया है और शेरी के बिना तो आई थिंक सबके ही घर में अफतार नामकम्मल सा फ़ील होता है तो ये भी जो है वो मैं बना कर रख देती हूँ अच्छा हमारे घर इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाई पी जाती हैं जब कोई गेस्ट आता है ना तभी मैं बना कर रख देती हूँ वरना मैं अभी फ़िलहाल तो ये चीज़ें सब अवॉइड करती हूँ जैसे एक दो घूट पी लेती हूँ इससे ज़्यादा मैं पूरा ग्लास भर के नहीं पी सकती हूँ तो बस अली के लिए ये सारी चीज़ें बनती हैं मैं जो हूँ खाने की पर्सन हूँ मुझे होता है कि अच्छा इफ्तार में खाना मिले एक प्रॉपर मील मिले तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है तो अभी मैंने शरबत भी बना कर फ्रिज में रख दिया ताकि वो भी अच्छे से ठंडा हो जाए और यहाँ पर मैं जो चना पापड़ी की तैयारी कर रही हूँ मतलब जो चाट बनती है ना आज मैंने सोचा कि डिफरेंट स्टाइल की बनाते हैं वैसे तो सिर्फ छोले बना कर रख देते हैं प्लेन से अच्छा जब मैंने छोले बनाए ना तो इसके अंदर मैंने ऑयल डालकर ना थोड़ा सा जीरा डाला कुटी हुई लाल मिर्च सी चाट मसाला था और काला नमक डाल के मैंने छोलों को अच्छे से भू भून लिया और बस हल्का सा मैंने मिक्स किया है और उसके बाद मैंने जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो छोले हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो थोड़े से सौगी सौगी हों तो जब आप जब हम बाहर खाने जाते हैं तो वो भी थोड़े से ना पानी वाले टाइप के होते हैं तो अच्छे सौगी से लगते हैं मज़े के लगते हैं और ये मैंने बिल्कुल आ, दस मिनट पहले बनाए थे ताकि गरम गरम हो तो अच्छा लगे अब मैंने हरी चटनी जो बनाते हैं सिंपल सी थोड़ी सी मैंने इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्च जीरा और थोड़ा सा एक चम्मच दही डाल के ब्लेंड कर लिया था और मीठा मैंने दही रेडी किया इसके अंदर भी चीनी है थोड़ी सी और दूध और दही को मिक्स करके वो अलग से बना दिया था साथ में मैंने जो है वो चॉप्ड अनियन डाली हरी मिर्चें चॉप टमाटर और खूब सारा सा हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे इमली की मीठी चटनी मेरे पास पहले से बनी रखी होती है तो वो मैंने पहले से रमज़ान से पहले ही बना कर रख ली थी अक्सर ना बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाती है कभी मीठे दही बड़े बनते हैं या फिर ये जो चना च पापड़ी चाट बनती है इसमें भी मीठी चटनियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तो ये भी ज़रूर ट्राई करिएगा बहुत बहुत मसे के बनते हैं मैंने नीचे ना दही बड़े की पहले फर्स्ट लेयर लगाई थी बड़े तो आई थिंक सबको ही बनाने आते होंगे मैंने ये सोचा था कि एक ही में ही बड़े छोले सब करके चना पापड़ी एक चाट बना लेंगे और अलग अलग चीज़ें नहीं बनाऊँगी फिर वो वेस्ट भी हो जाती है ना कोई खाए नहीं खाए इसलिए छोले तो आपको पता है सभी माशाल्लाह शौक से खाते हैं फिर मैंने इसमें जो है वो थोड़े से आलू बॉइल करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए थोड़ी सी ऊपर चटनी डाली ऊपर मैं पापड़ी रखूँगी एंड में और बस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है इसको भी मैंने टेबल पर जाकर जो है वो रख दिया था और अभी मैं बना रही हूँ फिली स्टेक सैंडविच चिकन फिली स्टेक सैंडविच बहुत बहुत मज़े का बनता है ईजी बनता है अच्छा मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था सिर्फ आधा घंटा था मैंने कहा यार देर लगेगी चिकन के अभी पीसेस भी करने हैं मुझसे नहीं होगा लेकिन मैंने कहा नहीं हिम्मत नहीं हारनी है और लगे रहना है क्योंकि मैंने कहा मेन्यू में फिर वही फ्राइड आइटम छोले वगैरह ही हो जाएंगे तो मैंने कहा ये चीज़ भी होगी ना अच्छी रहेगी चिकन लेनी है उसके आपने बहुत थिन से स्लाइसेस कर लेने हैं छोटे छोटे और उसके अंदर जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च मेरे पास एक ना सीजनिंग सॉल्ट आता है वो इसमें मैंने ऐड किया है आप चाहें तो रेगुलर सॉल्ट ऐड कर लें थोड़ी सी ब्लैक पेपर वाइट पेपर और चाट मसाला बस इसको हमने अच्छे से भून लेना है ऑयल के साथ और जब आप देखें ना चिकन फुली कुकड हो चुकी है तो आपने इसमें चॉप्ड प्याज और बेल पेपर और इसमें मैंने जो है वो थोड़ी सी हलो ऐड कर दिया है चॉप्ड करके बस ये सब जाएगा अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ये भी बहुत मज़े का बनता है और इसमें खूब सारा धनिया जाता है इसमें मशरूम भी जाते हैं मेरे पास मशरूम नहीं थे तो फिर मुझे स्किप करना पड़े मशरूम अगर आपके पास मशरूम हो तो आप चॉप्ड करके वो भी ऐड कर दीजिएगा प्याज और बेल पेपर्स के साथ और इसमें खूब सारा सा हरा धनिया डालेंगे और फिर आपने चीज़ की अच्छी सी थिक लेयर लगानी है और इस तरह से आपका फिली सैंडविच रेडी हो जाता है आपने जब सैंडविच है उसको बटर से सेक लेना है ऊपर में लगानी है जो चिकन का हमने मिक्सचर बनाया था वो लगाना है और इसको फोल्ड कर देना है इतने मज़े के बनते हैं ना ये फिली स्टेक सैंडविच मैं जब मॉल में जॉब करती थी ना तो हलाल उनके पास होते थे तो मैं वो खाती थी मतलब लंच टाइम में तो मुझे फिर मैंने अपनी रेसिपी खुद क्रिएट करी और बहुत सिंपल से होते हैं लेकिन मज़े के भी होते हैं तो बस सैंडविच रेडी हुआ है साथ में मैंने कहा फ़्राइज रख देंगे और ये सारे मैंने पालक के और ये जो मिक्स पकौड़े होते हैं वो बना लिए थे अच्छा हमारे यहाँ वो वाले जो एक प्रॉपर मिक्स पकौड़ा बनता है ना वो नहीं खाए जाते हैं वो मेरी सास बहुत अच्छे बनाती हैं तो वो हमारे यहाँ नहीं खाए जाते बस ये आलू के और पालक के तो लाजमी बनते हैं क्योंकि बहुत अच्छे क्रिस्पी रहते हैं तो ये मैं बनाती हूँ साथ में रोज़ समोसे बना देती हूँ तो बहुत बेसिक सी जो है वो चीज़ें होती हैं हर रोज़ लेकिन अब हमने ये अब सब कटआउट कर दिया ये लास्ट था हमारा रोल समोसे वगैरह का सेशन अब हम सिर्फ खाना ही खाते हैं किसी दिन मैं बिरयानी बना देती हूँ किसी दिन दाल चावल हो जाते हैं साथ में थोड़ा सा ग्रिल चिकन कर देती हूँ मेरा ये सोच रहा है कि इतनी मेहनत हम इफ्तारी को प्रिपेयर करने में करते हैं तो हम खाने क्यों ना अच्छे हर रोज रोज नए नए ट्राई करें और जब आप डेली नए नए खाने ट्राई करेंगे ना अपनी टेबल पे लाके रखेंगे तो रोज़ेदारों को भी मज़ा आएगा और आप लोगों को भी जो ना खुशी होगी जब उसके फीडबैक इतने अच्छे मिलते हैं ना तो कसम से दिल खुश हो जाता है और अली ऐसे नहीं है कि वो अगर खाना मैंने अच्छा बनाया तो वो तारीफ़ ना करें अलहमदिल्ला तारीफ जो है वो पहले से ही कर देते हैं कि ये चीज़ अच्छी बनी है या इसमें वो चीज़ की कमी है और बस इफ्तार का टाइम हो चुका था इन्होंने इफतारी करी और यहाँ पर मैंने जो है वो खाना जब रेडी किया पूछा कि खाना खाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं खाना नहीं खाएंगे तो मैंने कहा चलो यार टिको कर देते हैं क्योंकि खाना माशाल्लाह बना है और जो आए थे गेस्ट उन्हीं के नाम का बना था तो मैंने उसको टको कर दिया था साथ में इनको चाय बना कर दे दी थी चाय के साथ वो जो बिस्किट्स वगैरह चलते हैं वो सेशन मैंने चलाया और आज बहुत खुशी भी हो रही थी कि रोज़ेदारों ने हमारे घर आ रोज़ा खोला यू you नो know, बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई किसी का रोज़ा हो आप उसका अहतमाम करें अच्छा लगता है सवाब भी मिलता है और जब मैं हम लोग अपार्टमेंट्स में भी रहते थे तो हम मेक श्योर sure करते थे कि हर रोज़ चौकीदारों के लिए हम लोग इफ्तारी कुछ ना कुछ भेजें मतलब आप उन्हीं को ही डोनेशन दें जो डिज़र्व करते हैं उन्हीं को ही खाने पीने का पूछें जो डिज़र्व करते हैं जो मेहनत करते हैं अपने पैसों के लिए खैर यहाँ पर मैं हॉस्पिटल आ गई थी मेरे ना दो दिन से राइट साइड पे बहुत दर्द हो रहा था मतलब अपडाउनोड पेन था तो जब राइट साइड पे बात आती तो मुझे दिमाग में वही क्लिक होकर हो सकता है अपेंडिक्स हो या फिर आ, मुझे तो यू टी आई भी रहता था फिर फाइब्रिड भी है और ओविन सिस्ट भी था अभी पता नहीं है या नहीं तो मैंने कहा जल्दी से मुझे जो है वो चेक करवा लेना चाहिए इससे पहले कुछ ऊंच नीच ना हो जाए खतरे की घंटी ना बजे तो हम लोग फिर पहले अर्जेंट केयर गए हैं उन्होंने चेकअप वगैरह कर लिया फिर उन्होंने कहा ऐसा करें आप जो है ना इमरजेंसी चले जाओ उनके पास सारी मशीनें वगैरह होती हैं वो आपके इमेजेस वगैरह ले लेंगे और आपको बता देंगे कि क्या तकलीफ हो रही है तो फिर मैं एमरजेंसी आकर शुक्र है यहाँ पर इतना वेट नहीं था अब एमरजेंसी में ऐसे लिए नहीं जाती क्योंकि बहुत लंबा वेट हो जाता है और घर में छोटे बच्चों की वजह से जाना जाया भी नहीं जाता लेकिन आपको कभी भी अपनी बॉडी में कुछ भी महसूस हो कुछ भी ऐसा लगे कुछ ठीक नहीं है तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएँ अपने आप को प्रॉपर चेक करवाएँ पता चल जाता है देर नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों में ना तो बस इन्होंने मेरी सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह किए सारे मेरे वाइटल्स वगैरह ले लिए थे ड्रिप वगैरह लगवा दी थी दर्द के लिए और ना इन्होंने मुझे एक ऐसी मेडिसिन दी थी इन्होंने मेंशन कर दिया था नर्स ने कि ना जब तुम पियोगे तो तुम्हारा गला अंदर से नम हो जाएगा लिप्स नम हो जाएंगे लेकिन जब मैंने एक खूंट लिया तो उसको पी कर ना मुझे ऐसे पैनिक अटैक आना शुरू हो गया ना मैं मुझे पसीना आने लग गया और मेरी हालत अजीब से होने लग गई थी मैंने कहा कि मैंने दूसरा सिप जो है ना पीना भी नहीं है मैंने वो फेंक दी उठा कर खैर शुक्र अल्लाह का कि आधे घंटे में उसका जो रिएक्शन था वो ठीक हुआ और शुक्र है अल्लाह का कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी वही जो सिस्ट है उसी का ही मसला हुआ था तो बस उनकी उसकी एंटीबायोटिक दे दी थी और कॉमन आ... सी चीज़ है लेकिन इसको हम बढ़ने नहीं दे सकते ना अगर बढ़ जाए टाइम पे इसका पता चल जाता है सिस्ट का तो वो फिर एंटीबायोटिक से इलाज हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है या फिर आप कुछ कैफे वगैरह पिए लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए ना तो फिर इसको भी ऑपरेट करवाना पड़ता है तो इसीलिए लेकिन शुक्र अलग का मैं अपेंडिक्स का सोच रही थी जैसे मुझे दूसरे डॉक्टर ने डराया गॉल बैर का था मैं इतना रोई थी रास्ते में जब हॉस्पिटल जा रही थी ना तो मैंने बस यही दुआ करी थी कि अल्लाह ताला ऐसे कोई भी चीज़ ना हो क्योंकि मुझे जो है ना दोबारा से कोई सर्जरी से नहीं गुजरना है बच्चे भी छोटे हैं मतलब तो औरत को तो बच्चों का ख्याल आता है ना जब ऐसी कोई बात होती है तो खैर अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं था और यहाँ पर करी अपने व्लाग का एंड मुझे स्टिल अपनी दुआ में याद रखिएगा मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लाग अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग बाय अल्लाह हाफिज़